सो गाइस कल फाइनली दी मार्वल्स का ट्रेलर ड्रॉप हुआ एंड उसको देखने के बाद मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया मूवी के लिए, क्योंकि भाई ब्री लार्सन हमारे दिल में बसती है, उनके लिए हमारे दिल में बहुत अलग से जगह है। सबसे पहले बात करूं मैं ट्रेलर के शुरू होने से, तो सबसे पहले हमको दिखता है साइबर स्पेस स्टेशन, इसको बनाया हमारे निक फ्यूरी एंड मोनिका रेम्बियो ने। लेकिन अगर आप इस अंतरिक्ष स्टेशन को ध्यान से देखोगे तो कॉमिक बुक के अंदर जो हमारा स्वॉर्ड होता है, जिसको आपने वांडा विजन शो के अंदर देखा था, उनका भी एक ऐसा ही स्पेस स्टेशन होता है जिसका नाम होता है द पीक। इसका डिजाइन है थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, और साइड से साइबर ने स्वॉर्ड को रिप्लेस कर दिया है, और स्वॉर्ड है वो चाहता कि वो शील्ड को रिप्लेस करे। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि भाई हमारा जो निक फ्यूरी ऐसा होने देंगे, अब सेबर ही शील्ड है। और हाँ, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई इसको बनाया क्यों गया है, तो भाई निक फ्यूरी ने हमारे अर्थ को इंटरगैलेक्टिक जो थ्रेट है उनसे बचाने के लिए इसको बनाया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे ही हमारे जो मोनिका रेम्बियो वो जंप पॉइंट को मतलब ऐसे टच करती है, तो उस जंप पॉइंट को टच करने की वजह से जो कुछ ऐसा होता है, मोनिका रेम्बियो, कमला खान एंड जो हमारे कैप्टन मार्वल वो अपनी जगह से मतलब ऐसे स्वैप हो जाते हैं, जिसको ये मतलब मूवी के अंदर भी स्वैपिंग नाम दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये अपनी पावर यूज करेंगे तब एक दूसरे की जगह पर स्वैप हो जाएंगे, मतलब कैप्टन मार्वल चल जाएगी मिस मार्वल की, मिस मार्वल चल जाएगी मोनिका रेम्बियो की जगह, मोनिका रेम्बियो चले जाएगी हमारे कैप्टन मार्वल की जगह। एंड जब हमारे कमला खान है वो मोनिका रेम्बियो की जगह आती है, भाई उनको लगता है कि भाई मेरा कोई एवेंजर्स का टेस्ट चल रहा है, इसलिए मैं गायब होकर यहाँ पर आ गई हूँ। उस दिन भी बहुत फनी था, और निक फ्यूरी भी शॉक हो गया, भाई ये लड़की कौन है और यहाँ पर कैसे आ गई। देन उसके बाद में हमको देखने को मिलता है हमारा मिस मार्वल का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके अंदर हमारी जो कैप्टन मार्वल है वो पहुंच गई थी कमला खान के घर पर, एंड फिर हमारे निक फ्यूरी और मोनिका रेम्बियो पहुंच जाते हैं कमला खान के घर पर, जहाँ पर हमारी पूरी पूरी जो कमला खान की जो फैमिली है वो रिटर्न करते हुए दिख रही है इस मूवी के अंदर। इसके अंदर भाई मोहन कपूर को देखकर भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड वहीं पर जैसे ही हमारी मिस मार्वल अपनी पावर का यूज करती है, वहाँ पर आ जाती है हमारी कैप्टन मार्वल। जैसे ही हमारी कैप्टन मार्वल मोनिका रेम्बियो को देखती है इतने टाइम बाद में, एंड उसका जो सरप्राइज रिएक्शन निकलता है हाय वो बढ़िया था भाई, देखने में मजा आया मेरे को। नेक्स्ट सीन के अंदर हम गूज दी फ्लर्कन को देख रहे हैं, जो कि हमारी मिस मार्वल को बचा रही है क्री सोल्जर से, एंड भाई इसका खाना अभी भी क्री सोल्जर ही है, ये क्री सोल्जर को पूरा पूरा पकड़ के खा जाती है। एंड वहाँ पर जो हमारी मिस मार्वल की एक्टिंग थी भाई माइंड ब्लोइंग थी, भाई देख कर पूरे शॉक हो गए, एकदम डर गई कि भाई ये क्या था यार, व्हाट द फक। वहाँ पर तो भाई मैं भी शॉक हो गया था, तो भाई मिस मार्वल तो होनी थी यार वो, मतलब मूवी के अंदर हमको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाली है यार, सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाली। अगर आपको याद होगा तो हमारी कैप्टन मार्वल वो पहले पायलट थी सुपर हीरो बनने से पहले, तो भाई मार्वल वालों ने दिमाग लगाया कि भाई देखो यार मोनिका रेम्बियो तो उड़ नहीं सकती, क्या भाई जो मिस मार्वल वो भी नहीं उड़ सकती, अब कैप्टन मार्वल अकेली कैसे उड़ेगी यार। तो उन्होंने उनको दिया एक स्पेस क्राफ्ट, जिसके अंदर वो बैठकर साइड से कहीं पर जाने वाले हैं, वो भी जंप पॉइंट की मदद से। एंड वहाँ पर हमारे कैरल डेनवर्स से अपनी जो पायलटिंग स्किल्स है वो दिखाने वाली, जिनको देखकर भाई मजा आ रहा है कि हाँ भाई मार्वल वाले भूले नहीं कि हाँ ये पायलट भी है। अब देख भाई यार सिंपल सी बात है, भाई मिस मार्वल पहली बार मतलब स्पेस में जा रही है, तो उसके रिएक्शन कैसे होंगे। और भाई इसके रिएक्शन देखकर मेरे को कैप्टन अमेरिका की याद आ गई, जो कि मतलब एवेंजर्स एंडगेम में देखा था भाई, जो पहली बार स्पेस में जा रहे थे तो उनके रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही थे। लेकिन भाई यहाँ पर मिस मार्वल के रिएक्शन भी बहुत बढ़िया है, वो एकदम शॉक हो रही है भाई सच में मैं स्पेस में जा रही हूँ यार। फिर हम हमारी मोनिका रेम्बियो को सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जो कि एकदम कॉमिक एक्यूरेट लग रही है, एंड फोटोन की कॉस्ट्यूम है। लेकिन भाई उसको अपना सुपर हीरो नाम क्या मिलेगा अभी हमको नहीं पता, तो शायद मूवी के अंदर जानने को मिले हम उसके बारे में। फिर उसके बाद हमारे जो पार्क स्यू जून है, उनका एमसीयू में डेब्यू देखने को मिला फाइनली। इनके शक्ल अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानी पहचानी लग रही है, तो भाई पैरासाइट मूवी के अंदर इनका बहुत बड़ा वाला रोल था, तो जाकर देखो उस मूवी को, पता चल जाएगा तुमको कि ये कौन है। अब ये किसी मतलब एलियन प्रजाति का मतलब ऐसे लीडर और जनरल वगैरह ऐसा कुछ होने वाला है। शायद न्यूज तो ये भी आ रही है कि हमारी कैप्टन मार्वल की शादी होने वाली इस बंदे से, ऐसे मूवी के अंदर होने वाली भाई रियल में नहीं होगी। देन फिर हमको वहाँ पर मल्टीपल किटन्स देखने को मिलती है, जो कि मतलब ऐसे देखने से लग रही है कि ये गूज की बेटियां हैं। अगर ये भाई ये गूज की बेटियां हुई ना, तो भाई यहाँ पर बहुत ही बड़ा वाला कांड होने वाला है, क्योंकि भाई सबकी एकदम वाट लगने वाली है यहाँ पर। तो क्योंकि भाई एक अकेली गूज क्या क्या कर सकती है, तो भाई उसकी बेटियां क्या क्या करेगी आप सोच भी नहीं सकते यार। देन फिर हमको इस मूवी की मेन विलन दिखती है, जो कि है जो एस्टोन, जो कि हमारे लोकी यानी टॉम हिडलसन की रियल वाइफ है रियल लाइफ के अंदर। और ये जो कैरेक्टर प्ले करी है उसका नाम है डार बेन, जो कि मतलब कॉमिक्स के अंदर तो भाई मेल होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको फीमेल बनाया है, क्योंकि हमारे जो सुपर हीरोज वो भी फीमेल है, एंड उनके सामने एक फीमेल विलन होगा तो भाई अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर जो देखने लायक चीज है वो है उसके राइट हैंड के अंदर एक बैंगल है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा जैसे सिमिलर है मिस मार्वल के बैंगल से। इस पावरफुल क्री बैंगल को मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया था मिस मार्वल के अंदर, जो कि कमला खान के ओरिजिन का एक सोर्स था, लेकिन भाई यहाँ पर इसके हाथ के अंदर है, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। और साथ ही ये सेकंड बैंगल होने वाला है हमारी मिस मार्वल का, जो कि मतलब मेरे को लगता है कि मूवी के लास्ट के अंदर हमारी मिस मार्वल को मिल भी जाएगा। और मैं इसको मतलब मिस मार्वल से सिमिलर इसलिए बोल रहा हूँ, भाई देखने में सिमिलर है, साथ साथ उसके अंदर जो एनर्जी निकल रही है पर्पल कलर की वो भी एकदम मिस मार्वल से सिमिलर ही है। और उसके अलावा जो डार्क बैन का जो मतलब जो वेपन आप देख रहे हैं वो भी मतलब जो रोनन द एक्यूजर है उससे सिमिलर लग रहा है। और आप ये मत सोचो कि भाई रोनन का जो मतलब वैसे वेपन था वो तो मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने खत्म कर दिया था, ये कैसे आ गया। तो भाई कॉमिक बुक के अंदर भाई क्री के पास बहुत सारे मल्टीपल वेपन है, तो भाई टेंशन मत लो कोई और होगा। उसके बाद हमारे तीनों के तीनों सुपर हीरोज का न्यू सूट देखने को मिलते हैं, जो कि भाई मेरे को बहुत पसंद आए। मिस मार्वल का सूट भाई थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि भाई ऐसा कॉमिक बुक में ऐसा कोई इसका सूट नहीं है। और हमारी जो मोनिका रेम्बियो उनका सूट तो एकदम बढ़िया है, साथ साथ जो हमारी कैरल डेनवर्स है मतलब कैप्टन मार्वल का सूट एकदम बढ़िया है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी डिटेल्स है, जैसे कि ये सूट है वो जेनिस वेल की कॉमिक कॉस्ट्यूम से मिलता जुलता है। जेनिस वेल है वो मतलब मार्वल के अंदर जो ओरिजिनल कैप्टन मार्वल थी मार्वल, उसका बेटा
किया है। एंड भाई कुछ लोगों का कहना है कि भाई इनकी जो कॉस्ट्यूम है वो फाइला की कैप्टन मार्वल के सूट से मिलती जुलती है। अब दोनों के अंदर आप देख के बता दो भाई किससे मिलती जुलती है। तो ट्रेलर के खत्म होते होते हमको पता चलता है कि भाई जो ट्रायो वो एक टीम नहीं है, लेकिन भाई मूवी का नाम दी मार्वल से एमसीयू चाहता है कि इन तीनों को एक साथ दिखाए एंड इनका पूरी पूरी टीम बनाए एंड उस टीम का नाम हो दी मार्वल्स और मूवी क्रैश में ऐसा होने वाला है। एंड मूवी के शुरू के अंदर आप जो प्रॉब्लम देख रहे हो भाई स्वैपिंग की, मतलब एक दूसरे से स्वैप कर रहे हैं, तो वो मतलब इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी सबसे बड़ी पावर बन जाएगी मूवी के लास्ट में। और तीनों मिलकर है वो डार्क बैंड की बहुत बुरी वाली बैंड बजाने वाले, जो कि हम टीजर के अंदर थोड़ा बहुत ग्लिम्प्स देख सकते हैं उसका कि किस तरह से वो मतलब अपनी स्वैपिंग पावर का यूज करके मतलब डार्क बैंड को हरा रही है। तो हाँ, ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो भाई लोग, ये था दी मार्वल्स का ट्रेलर ब्रेकडाउन। कुछ डिटेल्स है जो कि मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाई, कुछ डिटेल्स है जो कि मतलब मिस हो गई है, तो उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। ये तो बस एक टीजर ट्रेलर था, अभी तो पूरी पूरी मूवी आने बाकी है। तो हाँ, नो टेंशन रहो। तो फिर अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। अगर ऐसे वीडियो देखने हैं तो भाई सब्सक्राइब करो। सलमान भाई, मैं पागल वागल हो गया।